उसके बाद मैंने गाड़ियां रोड पे लगा के बंद कर दी कि मैंने कहा आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। मैंने कहा अब हमारी ड्यूटी शुरू होती है, आप अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, अब हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये है ये सार साहब कि आप हमें हमारी वालदा हमारी बेटियों के सामने बेइज्जत न करें, गोली मारें सीने पे हम वो बर्दाश्त करेंगे, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गर्दने ये सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, ये गर्दने ये पगड़ियां हमने गर्दन झुका कर चलने के लिए नहीं पहनी, गर्दन उठा कर चलने के लिए पहनी है। जिस दिन ये गर्दन झुकी तो उस दिन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। आपने किस कानून के तहत मेरी वालदा मेरे साथ है मेरी तस्वीरें ली है, किस कानून के तहत आपके बंदे ने मेरी गाड़ी की तस्वीरें ली हैं, किस हुक्मनामे के तहत उन्होंने मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें ली हैं, किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे गनमैनों के कार्डों की तस्वीरें ली, वो पुलिस वाले आपके बेल्ट वाले हैं, किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे भाई को गाड़ी सरकार की उसकी तलाशी ली है, किस हुक्म के तहत मुझे वो हुक्मनामा डीजी रेंजर्स का है मुझे दिखाएं, मैं जानूं डीजी रेंजर्स साहब जाने में अभी रोड खाली चढ़ता हूँ। अगर वो डीजी आईएसआई का है मुझे दे दें, मैं जानूं डीजी आईएसआई जाने में रोड खाली करता हूँ। अगर वो हुक्मनामा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है मुझे दें, मैं जानूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाने में रोड खाली करता हूँ। अगर इसने अपनी कैपेबिलिटी पर ये मेरी बेइज्जती की है तो मैं गैरतमंद पाकिस्तानी बेगैरत नहीं हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आप मुझे बेइज्जत करेंगे वर्दी में और मैं बेइज्जत हूँगा नहीं, नहीं। जितने मुल्क के मालिक आप हैं इतना मैं हूँ, जितने मुल्क के वाली आप हैं इतना मैं हूँ, जितने इस मुल्क के मुहाफिज आप हैं इतना मैं हूँ। आप और मुझ में मुल्क में चौकीदारी में कोई, हाँ आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ। आप तनख्वाहदार मुल्क के मुहाफिज हैं, मैं बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान का मुहाफिज हूँ। फ़र्क ये है कि आप मेरी टैक्स पर मुल्क की तनख्वाहदारी करते हैं, मेरी टैक्स पर आप मुल्क को चलाते हैं, मैं बगैर टैक्स के अपना खून अपने बाप का जनाजा उठाकर मैंने इस मुल्क की आबियारी की है, अपना जनाजा उठाकर भी इस मुल्क की आबियारी करूंगा, लेकिन आपकी वर्दी के हाथों बेइज्जत नहीं होगा मैं। अब आपके सामने आपके बंदे ने बेइज्जत किया, नहीं है रूटीन की, मैं भाई हिंदुस्तान से नहीं आया, रोज घूमता हूँ, कितनी गाड़ियां आ रही हैं भाईजान, मैं रोज सबको चेक करता हूं। चलो मैं आज एक चैलेंज करता हूं, आज यहां ये पूरी रूटीन, एक मिनट सही, आप एडमिट कर दें, उन्होंने लेडीज की तस्वीरें नहीं, गाड़ी के लिए है ना, गाड़ी में मास्क आदि नहीं देखा उसने, कार फ्रेंड से नजर आ रही है, शनाख्ती कार्ड जब हो गई है, तारुफ हो गया है, हर एक चीज हो गई है। आप एक महीना पहले की हम तो सारी कार्रवाई इधर दिखाता हूँ, गलत किया है, अगर आपने किया फिर भी गलत किया है, मगर खवातीन गाड़ी में है, नहीं अगर खवातीन गाड़ी में है और फिर ये प्रोसेस करते हैं तो गलत करते हैं, इसलिए तो बैठे हैं कि ना करें। सिर्फ हम अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए बैठे हुए हैं, खवातीन की अगर आप अपनी तस्वीरों को वो साबित कर रहे हैं कि ये सही कर रही है तो गलत है। भाई क्यों ली है ये तस्वीर, किस कानून के तहत हुक्मनामा भेजी है आप उसको? मैं आपसे हुक्मनामा पूछ रहा हूँ, हुक्मनामा बताएं किस हुक्मनामे के तहत लाइसेंस दे, शनाख्ती कार्ड जो है ना, शनाख्ती कार्ड भी ये कार्ड दिखाया है, ये एक्सपायरी डेट लगी हुई है, तो उसके बाद तस्वीर लेने के क्या जवाब बनता है? क्यों पुलिस वालों के कार्ड तो तस्वीर लेने से कंफर्म हो गया कि ये ओके है, फिर तो आप रोके रखे ना जब तक ओके करने वाली तस्वीर मुख्य सवाल कर लिया। यूनुस भाई ये एनआईसी दिखाया, इस एनआईसी की तस्वीर क्यों ली आपके डीएसआर अदनान ने? हम हर बंदे की क्यों 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 आप हमारे एनआईसी की तस्वीरें क्यों लेंगे? क्यों हम हिंदुस्तानी है इसलिए आप हमारी गाड़ी की तस्वीरें क्यों लेंगे? चोर है, एनआईसी है, हम एनआईसी वाले खाते फिर आपके मुजरिम, हम एनआईसी न दिखाते आपके मुजरिम, हम आपके मुजरिम, हमने सब कुछ दिखाया और उसके बावजूद तस्वीरें लिए। अगर एक आपकी लेते हैं तो फिर तो ठीक था, ये सबके लिए तो सबके साथ गलत किया, रूटीन की सबके साथ गलत रूटीन में चेक की। अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूँ यूनुस भाई, आपको चैलेंज जो, जो जो दो नंबर होते हैं ना मौलाना, यूनुस भाई मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दो नंबर आप अपनी गाड़ियों में लेकर घूमते हैं, हम नहीं घूमते, मेरी जबान मत खुलवाओ, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जबान मत खुलवाओ, उनको सेंटर आप खुद देते, आप अपनी गाड़ियों में बैठकर खुद चलाते हैं, उनको मेरा मुंह न खुलवाए, सॉरी करते हैं अगर तेरी गाड़ी को रोक लिया, चेक कर लिया, आप मेहरबानी करें उसको कहें, आपकी सॉरी करें, उसको कहें वो आके सॉरी करें जिससे गाड़ी